अस्सलाम वालेकुम। आज के स्लैब में हम डिस्कस करेंगे रिप वर्जन 2 को। प्रीवियस स्लैब में वी डिस्कस्ड अबाउट डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग क्या होती है, देन वी सी द डिफरेंसेस बिटवीन द स्टैटिक राउट स्टैटिक राउटिंग एंड डायनामिक राउटिंग। देन वी डिस्कस्ड अबाउट रिप वर्जन 1, हाउ रिप वर्जन 1 वर्क्स, हाउ टू कॉन्फ़िगर रिप ऑन अ राउटर, हाउ टू रिमूव रिप फ्रॉम अ राउटर। रिप वर्जन 1 को अगर रिकैप करना चाहें तो रिप वर्जन 1 में हमने डिस्कस किया था कि रिप वर्जन 1 शेयर्स द राउटिंग इन्फॉर्मेशन आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स। हर 30 सेकेंड्स के बाद एवरी राउटर जहां पर रिप वर्जन 1 रन हो रहा है, इट विल शेयर द राउटिंग इन्फॉर्मेशन विद इट्स नेबर एट एवरी 30 सेकेंड्स। एंड एट द एंड आपके तमाम राउटर्स के पास ऑल नेटवर्क, कंप्लीट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ जाती है और वो ख़ुद से राउट्स को इंस्टॉल कर देता है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिप वर्जन 2। लेट्स मूव। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिप वर्जन 2। रिप वर्जन 1 वर्सेस रिप वर्जन 2, इन दोनों वर्जन्स में डिफरेंस क्या है। देन वी डिस्कस अबाउट लूप्स और लूप अवॉइडेंस की टेक्निक रिप में कैसे वर्क करती है। सो द रिप वर्जन 2 इज सिमिलर टू द रिप वर्जन 1 एंड मोस्ट ऑफ द केसेस। इट एडवर्टाइज राउटिंग टेबल टू नेबर्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एज इट वर्क्स इन द रिप वर्जन 1। It shares the routing information at every 30 seconds like RIP version 1 does. RIP version 2 is also a distance vector protocol. हमने RIP version 1 में भी देखा कि it is a distance vector protocol. Similarly, it is also a distance vector protocol. It uses the distance vector to install the route. Uses the distance. It uses classless IP addresses. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा कि क्लासलेस वर्सेस क्लासफुल आईपी एड्रेसेस में डिफरेंस क्या होता है। तो वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन लेक्चर्स में, जब हम सबनेटिंग को डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासलेस आईपी एड्रेसेस एंड क्लासफुल आईपी एड्रेसेस। रिप वर्जन 2 में क्लासलेस आईपी एड्रेसेस भी अलाउड हैं। क्लासलेस आईपी एड्रेसेस जो कि अदर देन /8/16 and /24 के सबनेट मास्क होते हैं, वी कॉल इट अ क्लासलेस आई पी एड्रेसेस। एंड रिप वर्जन वन में वी यूज क्लासफुल आई पी एड्रेसेस, विच मीन्स कि वी कैन ओनली यूज /8/16 or /24 आई पी एड्रेसेस, जबकि रिप वर्जन 2 के केसेस में वी कैन यूज क्लासलेस आई पी एड्रेसेस। इट सपोर्ट VLSM वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। वी कैन यूज़ /10/18/20/28/30 जो कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबनेट्स डिवाइड करते हैं। इट यूज़ मल्टी कास्ट एड्रेसेस टू शेयर राउटिंग टेबल्स। ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता, ये मल्टी कास्ट करता है। मल्टी कास्ट में वी डिफाइन ग्रुप ऑफ डेस्टिनेशन जिसको हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जबकि ब्रॉडकास्ट विल शेयर द इंफॉर्मेशन टू एवरीवन। सो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन रिप 1 एंड रिप वर्जन 2। बोथ आर द डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। बोथ हैव मैक्सिमम हॉप काउंट टू द 15। एज वी डिस्कस, रिप वर्जन 1 सपोर्ट क्लासफुल आई पी एड्रेसेस ओनली एंड रिप वर्जन 2 सपोर्ट क्लासलेस आई पी एड्रेसेस एज वेल। RIP version 1 uses broadcast to share the routing information, where RIP version 2 uses the multicast to share the routing information. No support for VLSM, variable length subnet mask की support RIP version 1 में नहीं है, RIP version 2 support VLSM. We will discuss this these terms in detail. जब हम subnetting की तरफ आएंगे, we will discuss about VLSM, कि VLSM क्या होता है। बट अभी तक के लिए इतना समझ लेना काफ़ी है कि आपके जो सबनेट्स हैं उसमें उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जो आपके /8/16 और /24 की क्लासेस हैं
वी कैन डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट. हम सबनेट्स बना सकते हैं डैट डिफरेंट सबनेट्स आर अलाउड इन रेप वर्जन 2 और रेप वर्जन 1 में अलाउड नहीं है. तो रेप वर्जन 2 में VLSM की सपोर्ट होने की वजह से रेप वर्जन 2 शेयर द सबनेट मास्क एज वेल. रेप वर्जन 1 में हमने डिस्कस किया था कि ये सिर्फ नेटवर्क्स को शेयर करता है, सबनेट मास्क को शेयर नहीं करता, बिकॉज इट इज़ प्री डिफाइंड कि आप रेप वर्जन 1 में डिफरेंट सबनेट्स को यूज़ नहीं कर रहे, आप सेम सबनेट मास्क यूज़ कर रहे हैं. सो इन रेप वर्जन 2 बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ VLSM फीचर इट शेयर्स द सबनेट मास्क एज वेल. इन रेप वर्जन 1 नो ऑथेंटिकेशन. इन रेप वर्जन 2 वी हैव MD5 ऑथेंटिकेशन और प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन, बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल. ऑथेंटिकेशन का काम इसमें क्या होता है कि जब राउटर्स इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल को शेयर करने से पहले इट ऑथेंटिकेट्स द राउटर और वो ऑन द बेसिस ऑफ की एंड मैसेजेस के बेस पे होता है. एक राउटर एक की भेजेगा, उसका रिप्लाई दूसरा राउटर सेंड करेगा तो इट इज़ ऑथेंटिकेटेड कि जो राउटर इंफॉर्मेशन सेट इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है हमें वो इसी नेटवर्क का है और ऑथेंटिकेटेड राउटर है. दिस इज़ अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी जिसको लेयर वन सिक्योरिटी हम कह सकते हैं, बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी जिस पे हम सिर्फ ये ऑथेंटिकेट जिस राउटर के ऊपर हम ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर देंगे वो राउटर मैसेज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने से पहले ऑथेंटिकेशन अप्लाई करेगा, देन इट विल एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन. सो ऑथेंटिकेशन मैसेजेस दो किस्म के हैं, एक MD5 ऑथेंटिकेशन और एक प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन. प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन में आपके पैकेट्स के अंदर जो आप की या पासवर्ड या मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं डैट विल बी इन द प्लेन टेक्स्ट और डैट मैसेज कैन ईजीली बी रीड. जो भी आपके पास हैकर्स हैं वो पैकेट्स को स्निफ करके ईजीली रीड कर सकते हैं. जबकि अब MD5 ऑथेंटिकेशन में जो आप मैसेज पासवर्ड सीक्रेट की जो आप सेंड करते हैं डैट इज़ इनक्रिप्टेड. MD5 की इनक्रिप्शन अप्लाई होती है और डैट मैसेज कैन नॉट बी रीड ईजीली. सो देर इज़ अ बग इन अ राउटिंग. जब हम राउटिंग की बात करते हैं तो लूप्स एक प्रॉब्लम आता है इसमें और वो प्रॉब्लम एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट आर लूप्स. सो लेट्स अज्यूम वी हैव राउटर 1 R1, वी हैव द राउटर 2 R2 एंड वी हैव राउटर 3 R3 एंड R3 इज़ कनेक्टेड टू अ नेटवर्क 10.0.0.0/24. एक पीसी को कनेक्ट किया हुआ हमने विद राउटर 3 और उसका आईपी एड्रेस 10.0.0/24 है. सो जब हम डायनामिक राउटिंग करते हैं तो राउटर 3 इंफॉर्मेशन शेयर करेगा कि इट इज़ कनेक्टेड टू द नेटवर्क, इट इज़ कनेक्टेड टू द डिवाइस 10.0.0.24 और वो इन्फॉर्मेशन R3 से R2 के पास चली जाएगी और R2 सेम इन्फॉर्मेशन R1 के साथ शेयर करेगा. और अब R1 को पता है कि इट कैन रीच टू दिस नेट टू दिस डिवाइस 10.0.0/24 थ्रू R2 और R2 को पता है कि ये R3 के थ्रू इस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है. सो लेट्स अज्यूम कि हम ब्रॉडकास्ट का मैकेनिज्म यूज़ करें और किसी भी किस्म के लूप अवॉइडेंस की टेक्निक हमने अप्लाई नहीं की तो उस केस में प्रॉब्लम ये होगा कि R3 ने इन्फॉर्मेशन जब शेयर की R2 को डैट के R3 इज़ रीचेबल टू दिस PC और R2 के पास जब इन्फॉर्मेशन आई R2 ने सेम इन्फॉर्मेशन R1 को शेयर की और R1 ने वही इन्फॉर्मेशन दोबारा से शेयर कर दी R2 को, विच मीन R2 को यह मैसेज मिलेगा कि R1 इज़ रीचेबल टू द PC 10.0.0/24 और R3 को भी सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि R2 इज़ ऑल्सो रीचेबल टू दिस डिवाइस 10.0.0/24 जबकि R2 भी R3 के थ्रू रीचेबल है और R1 भी R3 के थ्रू ही रीचेबल है. सो फॉर एग्जांपल आफ्टर सम टाइम लिंक बिटवीन R2 एंड R3 जो है वो ब्रेक कर गया. अब R1 और R2 आपस में सिर्फ कनेक्टेड हैं और R2 और R3 कनेक्टेड नहीं है, लेकिन R2 के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है
कि इट आर वन इज़ रीचेबल टू द डिवाइस 10.0.0/24। तो आर टू ने कोई भी पैकेट सेंड करना होगा उस पी सी को, तो आर टू जो है वो मैसेज सेंड कर देगा आर वन को, और आर वन के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आर टू इज़ रीचेबल टू द डिवाइस, तो वो आर वन को वापस पैकेट सेंड कर देगा। आर टू विल सेंड अगेन टू द आर वन एंड आर वन विल सेंड अगेन टू द आर टू। तो इसी तरह जो पैकेट है वो आर वन और आर टू के दरमियान ही सर्कुलेट करता रहेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड लूप। सो दीज लूप्स कैन बी अवॉइडेड यूजिंग रिप। रिप के अंदर एक मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं स्प्लिट होरिजन मैथड। सो रिप यूजेज दिस मैथड टू अवॉइड लूप। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल अगेन। तो स्प्लिट होरिजन मैथड होता क्या है कि राउटर डज नॉट एडवर्टाइज बैक थ्रू विच इट लर्न अ राउट। जो सा भी राउटर किसी राउटर से कोई राउट लर्न करता है वो उसको दोबारा से एडवर्टाइज नहीं करेगा। सो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल अगेन। आर थ्री ने एडवर्टाइज किया आर टू को डैट आर थ्री इज़ रीचेबल टू द डिवाइस 10.0.0/24। आर टू ने लर्न ये किया कि आर थ्री इज़ रीचेबल टू द डिवाइस, सो आर टू विल नेवर एडवर्टाइज टू द आर थ्री कि आर टू इज़ ऑल्सो रीचेबल, क्योंकि आर टू आर थ्री से लर्न कर रहा है तो आर टू विल नॉट एडवर्टाइज द सेम राउट, और आर टू एडवर्टाइज करेगा आर वन को डैट आर टू इज़ रीचेबल टू द 10.0.0 थ्रू आर थ्री, और आर वन जो लर्न कर रहा है राउट थ्रू आर टू डैट आर वन विल नॉट एडवर्टाइज बैक टू द आर टू। इन दिस केस if the connection between R2 and R3 is broken or unreachable, then R2 knows ke R3 is unreachable, so it mean ke R2 is unreachable to the device. So R1 ke paas kisi kisam ki koi routing information nahi hai ke wo directly reachable hai to the device. R1 ko yahi pata hai ke it is reachable through R2. So if R2 is not reachable, R1 cannot reach to the device. So in this case, there is no loop. Loop avoid हम कर सकते हैं using the split horizon method. और ये split horizon method RIP में by default implemented है, जिसकी वजह से loop को avoid किया जा सकता है. Loop avoid हो जाते हैं इसमें. So let's move to the packet tracer and configure the. Now we will configure the RIP version 2. So this is packet tracer. So packet tracer के अंदर हम सबसे पहले routers add कर देते हैं. Router 1. So now let's add a few devices. So we have four routers. Let's rename it with router 1, router 2, and this is router 3, and this is router 4. First let's add WIC2T interface card, which we previously discussed. To use the serial interface we need WIC2T interface card. Let's turn on this device. Moving to the router 2, first we have to turn off the device, then add the WIC2T, then turn on again. We will turn off the device and then turn on. Moving to the router 4, turn off this device and add WIC2D interface card and turn on. So router 1 में चले गए और सबसे पहले हमने would you like to enter the initial configuration
No, we don't have any shit configuration. So the router one is ready for the basic configuration. Or so we need to connect this router. Now all these four routers are ready for the basic configuration. First of all, we have to connect these router using serial DCE cable. आप इसको कनेक्ट करेंगे और लेट्स से सीरियल 030 आपने कनेक्ट कर दिया एंड सीरियल 030 अगेन सीरियल 031 एंड सीरियल 031 लेट्स से एंड सीरियल 030 एंड सीरियल 020 सो नाउ दीज फोर राउटर्स आर कनेक्टेड और उसके लिए जो हम नेटवर्क यूज़ करेंगे सबसे पहले नेटवर्क को डिफाइन कर लेते हैं एंड दैट नेटवर्क सबसे पहला जो नेटवर्क है हमारा उसके लिए हम यूज़ करेंगे 192.168.0.0/24 दिस इज़ नेटवर्क वन और यहाँ पर हम सेकंड नेटवर्क जो यूज़ करेंगे That will be 192.168.1.0/24. This is the second network. Or third network जो हम use करेंगे That will be 192.168.2.0/24. So these are the three networks. Or इसको चलो सो अकॉर्डिंग टू दीज थ्री नेटवर्क्स वी नीड टू फर्स्ट कन्फिगर बेसिक कन्फिगर द टोपोलॉजी और राउटर वन में जाएंगे सबसे पहले हम और राउटर वन में जाने के बाद वी विल गो टू द इनेबल देन कन्फिगर टर्मिनल एंड देन वी विल मूव टू द सीरियल इंटरफेस 0/30 टू असाइन एन आईपी एड्रेस So we will write interface then serial 0/3/0. So this is the serial 030 interface and we can assign an IP address from this network. उसके लिए let's say हम IP address pick करते हैं और IP address assign करने की command IP address and 192.168.0.1 और उसके बाद सबनेट मास्क 255.255.255.0 नाउ द आई पी एड्रेस हैज़ बीन असाइन टू द सीरियल इंटरफेस 030 साथ ही आप ऐड कर देंगे नो शट डाउन मूविंग ऑन टू द सेकेंड राउटर R2 और इसका जो लेफ्ट साइड वाला इंटरफेस है डैट इज द सीरियल सीरियल नज़र नहीं आ रहा पूरा इट इज़ सीरियल 0/0 सीरियल 030 सो वी हैव टू कन्फिगर दिस सबसे पहले इनेबल मोड देन कन्फिगर टर्मिनल मोड देन इंटरफेस सीरियल 0/3/0 और सेम नेटवर्क जो हमने डिफाइन किया हुआ इसी में से एक और आई पी एड्रेस पिक करेंगे आई पी एड्रेस 192.168.0.2 255.255.255.0 साथ ही नो शट डाउन जैसे ही नो शट डाउन अप्लाई किया आपने देखा द इंटरफेस इज इनेबल्ड इंटरफेसेस आर इनेबल्ड नाउ एंड इट इज़ इन ग्रीन कलर सो मूविंग ऑन टू द राउटर 2 का जो सेकेंड इंटरफेस है हम उस पर जाएंगे एंड दैट विल बी इंटरफेस सीरियल 0/3/1 और इसको हमने जो आई पी एड्रेस असाइन करना है इट विल बी फ्रॉम द सेकेंड नेटवर्क फर्स्ट नेटवर्क हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया अब हम सेकेंड नेटवर्क में से एक आई पी एड्रेस पिक करेंगे एंड दैट विल बी
IP address command. IP address and 192.168.1.1 255.255.255.0 और साथ में नो शट डाउन. सो मूविंग ऑन टू द राउटर थ्री. राउटर थ्री में सी एल आई में सबसे पहले नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 0/3/1. हमने लेफ्ट साइड पर रिमेंबर के वन वाला इंटरफेस यूज़ किया था और उसमें जाके हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे फ्रॉम दिस नेटवर्क. अगेन आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 साथ ही नो शट डाउन. आपने देखा दीज टू इंटरफेसेस आर नाउ इनेबल्ड. सो मूविंग ऑन टू द सेकंड इंटरफेस एग्जिट आईपी इंटरफेस सीरियल 0/3/0. दिस इज द राइट इंटरफेस टूवर्ड्स द राउटर 4. और अब इस दिस टाइम वी विल पिक आईपी एड्रेस फ्रॉम दिस थर्ड नेटवर्क विच इज़ 192.168.2. सबसे पहले आई पी एड्रेस की कमांड लिखेंगे आई पी एड्रेस 192.168.2.1.255.255.255.0 इज द सबनेट मास्क. नो शट डाउन एंड नाउ दिस इंटरफेस इज रेडी. लास्ट में राउटर 4 का इंटरफेस राउटर 4 की कन्फिग्रेशन बाकी है. उसमें 0/2/1/0 हमने यूज़ किया था नो. एंड फर्स्ट वी हैव टू गो टू इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड देन वी विल राइट इंटरफेस सीरियल 0/2/0 और आईपी एड्रेस अगेन फ्रॉम दिस नेटवर्क द थर्ड नेटवर्क 192.168.2.1 हमने यूज़ कर लिया था. 2.2 यहाँ पर यूज़ करेंगे. साथ ही सबनेट मास्क दे दें 255.255.255.0 एंड नो शट डाउन. सो नाउ द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस टोपोलॉजी इज रेडी. नाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द रेप वर्जन 2 इन दिस टोपोलॉजी इन दिस नेटवर्क. सबसे पहले हम एक काम करेंगे सारे राउटर्स में जाके हम ऑब्जर्व करेंगे राउटिंग टेबल. उसके लिए कमांड होती है शो आईपी राउट जो कि इनेबल मोड में जाके आप रन करते हैं. जैसे आपने देखा कि मैंने एग्जिट किया और अब इनेबल मोड में हम आ चुके हैं. सो वी विल राइट शो आईपी राउट. तो हम देख सकते हैं कि देयर इज़ ओनली वन एंट्री 192.168.0/0.0/24. एक ही नेटवर्क जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है विद दिस राउटर 1 उसकी एंट्री इसमें अवेलेबल है. और राउटर 2 में जाके हम सिमिलर कमांड एग्जिट. अब हम इनेबल में आ गए शो आईपी राउट. तो राउटर 2 के साथ दो नेटवर्क कनेक्टेड हैं जो हमने मेंशन भी किए हुए 192.168.0.0 लेफ्ट साइड वाला नेटवर्क एंड 192.168.1.0 राइट साइड वाला नेटवर्क. सिमिलरली फॉर राउटर 3 एग्जिट शो आईपी राउट. इसके साथ भी दो नेटवर्क कनेक्टेड हैं जो कि डायरेक्टली हैं. एक 192.168.1.0 फर्स्ट जो कि लेफ्ट साइड पे है और 192.168.2.0 जो कि राइट साइड पे. सिमिलरली R4 के साथ एक ही एंट्री आनी चाहिए जो कि 192.168.2.0 है. सो हमने राउटिंग इंफॉर्मेशन को भी देख लिया राउटिंग टेबल को कि हमारे पास जो राउटर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कनेक्शंस नेटवर्क्स अवेलेबल थे सिर्फ वही इंफॉर्मेशन हमें नज़र आ रही है अपने राउटिंग टेबल्स के अंदर. अगर R1 एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है 0/0 के साथ सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है.
आर टू दो नेटवर्क्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो दो नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में अवेलेबल है। सो जब हम इसके ऊपर रेप वर्जन 2 या रेप वर्जन 1 करते हैं कॉन्फ़िगर, तो ऑल राउटर्स राउटर 1, 2, 3 एंड 4 शेयर देयर राउटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स नेबर्स पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मीन्स आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स। सो आफ्टर फ्यू सेकेंड्स आपके ऑल राउटर्स कंप्लीट राउटर्स के पास नेटवर्क के जितने टोपोलॉजी में जितने भी नेटवर्क्स अवेलेबल हैं उन सब नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ जाती है, और उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोटोकॉल राउट्स को भी इंस्टॉल कर देता है और कंप्लीट राउटिंग टेबल आपके पास डेवलप हो जाता है। तो अभी हम रिप वर्जन 2 को कॉन्फ़िगर करेंगे मूविंग टू द राउटर 1, और राउटर 1 में जाके सबसे पहले वी हैव टू गो टू इनेबल मोड, देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड, और यहाँ पर हम लिखते हैं राउटर रेप। ठीक है, रेप वर्जन 1 में जब हमने काम किया था हम राउटर रेप लिखते हैं और उसके बाद डायरेक्ट हम नेटवर्क असाइन करते हैं, बट इन दिस केस वी राइट राउटर रेप और उसके बाद आप लिखते हैं वर्जन स्पेस 2। अब आप स्पेसिफाई करें कि वी आर यूजिंग रेप वर्जन 2, सो नाउ वी आर एंटर्ड इनटू द मोड ऑफ रेप वर्जन 2। अभी जो कुछ आप हम काम करेंगे इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इट विल बी एडेड टू द रेप वर्जन 2। सो रेप वर्जन 2 में फॉर द राउटर 1, हम ये फर्स्ट राउटर की बात करें, हमने सिर्फ वही नेटवर्क ऐड करने हैं जो नेटवर्क इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो देर इज़ ओनली वन नेटवर्क विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राउटर 1, तो हम उस राउटर 1 को इसमें ऐड कर देंगे। और उसका ऐड करने का मेथड सिमिलर टू द रेप वर्जन 1 है, आप लिखते हैं नेटवर्क स्पेस और नेटवर्क एड्रेस, ये हमारे पास मेंशन है 192.168.0.0, दैट्स इट, और इसके बाद आप एंड। सो रेप वर्जन 2 राउटर 1 पे कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे राउटर 2 पे और वी विल गो टू द कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर रेप एंड वर्जन 2, और राउटर 2 के लिए दो नेटवर्क जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं विच इज़ 0.0 एंड 1.0। सो वी विल राइट नेटवर्क 192.168.0.0 एंड वी विल राइट 1.0 एंड दैट्स इट। मूविंग टू द राउटर 3, इस केस में वी हैव टू नेटवर्क्स विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राउटर 3, दैट इज़ 192.168.1.0 एंड 2.0। सो सिमिलरली वी विल गो टू द कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर रेप एंड वर्जन 2, वी विल राइट द नेटवर्क कमांड 192.168.1.0 1.0, similarly 2.0 and end. So the last router 4, exit configure terminal mode, and we will write router rep version 2. Now network 192.1, in this case there is only one network directly connected to the router 4, which is 192.168.2.0, that's it. So hopefully we have completed this rep version 2 configuration. So now let's move to the router 1 and write शो आई पी राउट। जब हमने शो आई पी राउट कमांड अब दिस टाइम हमने आफ्टर रेप वर्जन 2 रन किया, तो राउटर 1 के साथ हमने देखा देर इज अनदर नेटवर्क 192.168.1.0, एक जो सेकेंड नेटवर्क भी इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, और राउटर नंबर 2 में जाएं
इसका राउटिंग टेबल अगर हम देखें, शो आईपी राउट, सो राउटर नंबर टू पे कोई राउट नहीं आया। इसकी रीज़न क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर फ्यू सेकंड्स। सबसे पहले हम राउटिंग टेबल्स को देख लें। राउटर नंबर थ्री में चले गए, शो आईपी राउट, देर आर द टू नेटवर्क्स विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड। और राउटर नंबर थ्री में आ जाएं एंड राइट शो आईपी राउट एंड देर इज़ अ नेटवर्क अवेलेबल, देर इज़ अ राउट अवेलेबल इन दिस केस 192.168.1.0.1.0, दिस विच इज इंस्टॉल्ड यूजिंग रेप। सो नाउ चेक द कॉन्फ़िगरेशन अगेन, वी राइट शो आई पी राउट एंड द राउटर वन। सो वी कैन सी देर आर टू routes available, there are the two routes jiske sath aapko r nazar aa raha hai, this is installed by the rep. Previously we checked the route, there was a mistake in the ip configuration, router 3 aur router 2 pe by mistake same ip address tha jiski wajah se route installation proper nahi ho raha tha. So now we can see in router 1 we have a directly connected network 192.168.0.0 and there is a route installed for the route for the network 192.168.1.0 which is the second network, and there is a third route installed 192.168.2.0 which is also installed through rip. Router 2 pe aa jaye, सेम कमांड एंड राउटर टू पे देर इज़ एन एक्स्ट्रा राउट इंस्टॉल्ड 192.168.2.0 विच वॉज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। तो राउटर टू पे एक ही राउट इंस्टॉल्ड होगा जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, विच वॉज 192.168.2.0. 0.0 और 1.0 डायरेक्टली कनेक्टेड है। सिमिलरली फॉर राउटर थ्री वी शुड हैव ओनली वन राउट इंस्टॉल्ड through rip which is 192.168.0.2.0.0. So let's verify it. Show IP route and we can see there is an one route installed jiske sath r likha hota hai, this is installed by the rip. Jiske sath c likha hua hai, this is directly connected. There is one route installed 192.168.0.0. This is the this network in the router 3. और router 4 के अंदर दो routes होने चाहिए 0.0 and 1.0. तो router 4 में जाएंगे, go to the enable mode and write show IP route. So we have two routes installed, 192.168.0.0, 192.168.0.0 and 192.168.1.0. This is the second network. So last time किसी student ने भी पूछा था कि next hop क्या होता है, तो इस case में आप next hop को भी observe कर सकते हैं. Let's say 192.168.1.0 जो network है, this network, इस network के लिए जो next hop बनता है वो आपका ये interface है कि राउटर 4 से अगर आप पैकेट सेंड कर रहे हैं टू दिस नेटवर्क, सो नेक्स्ट हॉप मींस नेक्स्ट कौन सा इंटरफेस होगा, कौन सा राउटर होगा जिसको आप पैकेट सेंड करेंगे, तो डैट विल बी राउटर 3 का जो राइट साइड का इंटरफेस है, बिकॉज दिस राउटर इज कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क. सिमिलरली फॉर 192.168.0.0 जो आपका ये वाला नेटवर्क है, इसके लिए नेक्स्ट हॉप का होगा क्या होगा, वो भी सेम इंटरफेस कि राउटर 4 को हम ये बता रहे हैं कि अगर 0.0 पे आपने पैकेट सेंड करना है इस नेटवर्क पे, तो आप इस राउटर 3 के इंटरफेस को फॉरवर्ड कर दें, और राउटर 3 के पास जब पैकेट आ जाएगा फॉर नेटवर्क 192.168.0.0, राउटर 3 के अंदर भी राउट इंस्टॉल्ड है 4.0.0, तो राउटर 3 से पैकेट सेंड हो जाएगा फॉर टू द नेक्स्ट हॉप विच इज़ राउटर 2, और राउटर 2 से आगे
दिस नेटवर्क इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड. सो नेक्स्ट हॉप आपका इस तरह से काम करता है. सो लेट्स वेरीफाई द रीचेबिलिटी. अगर हम राउटर 1 से राउटर 4 के दरमियान रीचेबिलिटी वेरीफाई कर लेते हैं तो उसके मिडल में राउटर 2 और राउटर 3 ऑटोमेटिकली आपके पास रीचेबल हो जाएंगे. अगर राउटर 1 से पैकेट राउटर 4 के दरमियान में कहीं पर ड्रॉप हो रहा है, इट्स मीन कि या तो राउटर 4 के राउटिंग टेबल में इशू है या राउटर 3 में है या 2 में, देन वी हैव टू वेरीफाई. सो पिंग के लिए हम राइट करते हैं पिंग 192.168.2.2. दिस इज़ द आईपी एड्रेस ऑफ राउटर 4 का जो इंटरफेस है. सो वी हैव 5 on 5 और इसी के साथ 2.1 अगर आप लिखें राउटर 3 का इंटरफेस है. इसी के साथ अगर आप 1.1 लिखें ये राउटर 2 है और 1.2 भी इसी नेटवर्क में एंड 0.2. तो सारे पिंग आपके पास 100% चल रहे हैं. सो वन लास्ट पॉइंट जो कि इसमें रह गया, दोबारा हमें जाना पड़ेगा शो आईपी राउट में. सो आईपी राउट जब आप इंस्टॉल करते हैं तो दरमियान में आपके पास ये इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है 120/2. व्हाट इज़ दिस? सो 120 जो है दिस इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ अ प्रोटोकॉल. रिप प्रोटोकॉल का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है 120 है. और जो 2 नज़र आ रहा है, 2 इज़ द हॉप्स अवे. कितने हॉप्स अवे आपका नेटवर्क है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने राउटर 1 ओपन किया हुआ है तो राउटर 1 के अंदर जो नेटवर्क है 192.168.2.0 दिस इज़ 2 हॉप्स अवे. अगर 2 लिखा हुआ था इट्स मीन दिस इज़ 2 हॉप्स अवे. राउटर 1 से जो आपका नेटवर्क है 192.168.2.0, राउटर 1 से राउटर 2 पे हॉप नंबर 1, राउटर 2 से राउटर नंबर 3 हॉप नंबर 2. तो 2 हॉप्स अवे इज़ द नेटवर्क 192.168.2.0. तो राउटर 1 से जो आपका जो सेकेंड नेटवर्क है 192.168.1.0 दिस इज़ 1 हॉप अवे. राउटर 1 से राउटर 2 पे आएंगे दिस इज़ 1 हॉप. तो आप देख सकते हैं 120/1 तो 1 इज मीन 1 हॉप अवे. तो 120 जो है ये दिस इज द प्री डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव राउट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस. स्टैटिक राउट करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज 1. रिप के थ्रू राउटिंग करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज 120. ठीक है. सो इट इज द प्री डिफाइंड. जब भी आप रिप यूज करेंगे तो यहाँ पर 120 ही लिखा आएगा. दिस इज डिफाइंड इन द स्टैंडर्ड. जब भी आप रिप करेंगे या जब भी आप स्टैटिक राउट करेंगे तो यहाँ पर 1 लिखा होगा. तो वेरी कहाँ पर करेगा जो आपका हॉप काउंट है. जितने आपके हॉप्स दूर जाते जाएंगे आपका यहाँ पर हॉप काउंट ज़्यादा नज़र आएगा. 2 हॉप्स अवे मीन्स हॉप नंबर 1, हॉप नंबर 2 एंड देन वी हैव दिस नेटवर्क. सो रिप वर्जन 2 को अगर मैं दोबारा से रिवाइज करूँ तो इट इज़ बेसिकली डायनामिक राउटिंग के अंदर प्रोटोकॉल है रिप, जिसके अंदर हम अपने टोपोलॉजी में जितने भी नेटवर्क हैं, जितने भी राउटर हैं, सब पर रिप को इंस्टॉल करते हैं, रन करते हैं. और हर राउटर पे हम जो नेटवर्क असाइन करेंगे वो कौन सा राउटर नेटवर्क असाइन करेंगे जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है. रेस्ट ऑफ द नेटवर्क जितने भी चल रहे हैं वी डोंट केयर अबाउट इट. राउटर 2 की अगर बात करें तो राउटर 2 के साथ वी हैव 2 नेटवर्क्स 192.168.1.0 192.168.0.0. तो रिप के अंदर जो हमने नेटवर्क असाइन करना है इट विल बी द डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क ओनली. राउटर 3 के अंदर 2 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, हम वो इंस्टॉल करेंगे. राउटर 4 के अंदर 1 ही डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है तो हम सिर्फ 1 नेटवर्क को इंस्टॉल करेंगे. तो आफ्टर दैट RIP will share the routing information using the multicast group और सब तमाम routers के दरमियान routing information exchange होगी and in all the routers routes will be installed using the RIP and at the end router 1 is reachable to the router 4, router 1 is reachable to the router 2 and router 3.
और जब भी हम बात करते हैं कि राउटर वन इज़ रीचेबल टू द राउटर थ्री, वी हैव टू वेरीफाई फॉर द बोथ इंटरफेसेस, दोनों इंटरफेसेस रीचेबल हैं, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं राउटर वन इज़ रीचेबल टू द राउटर थ्री, सो द राउटर वन इज़ रीचेबल टू द बोथ इंटरफेसेस ऑफ राउटर थ्री, जितने भी इंटरफेसेस आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक इंटरफेस राउटर का एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट इंटरफेस इज इन द नेटवर्क ऑफ 192.168.1.0 एंड द राइट इंटरफेस इज इन नेटवर्क ऑफ 192.168.2.0। सो जब आप नेक्स्ट क्लास में आए, नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में आए, तो ये रेप वर्जन 2 आपके पास ये कंप्लीट होना चाहिए, एंड होपफुली वी विल मूव टू द सबनेटिंग मे बी टू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो देन वी विल मूव टू द सबनेटिंग VLSM इन द कमिंग लेक्चर्स।